हेलो गाइस, नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी। तो गाइस देख रहे हैं आप गाड़ी, ये गाड़ी है कपल्स के लिए, काफ़ी शानदार गाड़ी है, आपको मॉस्को में मिलेगी सिर्फ ऐसी गाड़ी देखने को। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से ब्लॉग में, और आज हम जा रहे हैं मॉस्को में थोड़ी सैर के लिए। आज मेरे साथ आसिफ आ चुका है, थोड़ा प्यार बांटेंगे हम मॉस्को में। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइज अभी हम चल रहे हैं अंडरग्राउंड, और यहाँ से बाहर निकल के हम आपको दिखेंगे काफ़ी शानदार नज़ारा। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक और ज्वेलरी का सामान मिल जाएगा। सामने यहाँ पे कॉफ़ी है, आप कॉफ़ी पी सकते हैं मेट्रो से निकलते ही। A few moments later. तो गाइस हम मेट्रो से बाहर निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा काफ़ी शानदार है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे सामने, यहाँ पे देख सकते हैं आप नज़ारा कितना बढ़िया है। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग यहाँ पे। बाकी आगे हम चल रहे हैं अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे पूरी कीचड़ कीचड़ सी हो रखी है, क्योंकि स्नो जो है मेल्ट हो चुकी है और चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, कुछ कुछ जगह पे स्लिपरी होती है। और ये देख सकते हैं आप सामने। तो गाइस देखिए, रेड स्क्वायर हमसे थोड़ी सी दूरी पे है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर है रेड स्क्वायर, और ये हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब कुछ स्नो से ढका हुआ, ये हुआ करता था पार्क। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज, जो कि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर है और काफ़ी शानदार है। इसमें कितने काफ़ी मजबूत है, गिरता भी नहीं है, इसके नीचे ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये स्टैंड रहता है। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग आराम से आ सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये है वो ब्रिज जहाँ पे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया नज़ारा यहाँ से आता है। आगे का मैं दिखाऊँगा आपको, जो एकदम पीक पर है वहाँ से आपको नज़ारा दिखाऊँगा बाहर रोड का, बिना किसी सपोर्ट के ये खड़ा है। और काफ़ी टाइम हो गया, तो कितने साल हो गए इसे? 25 साल से ज़्यादा साल हो गए इसको। 99 हाँ, 25 साल के आसपास हो गए हैं, और अभी तक। अरे कहना क्या चाहते हो? ये काफ़ी मजबूत है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या बढ़िया व्यू आता है। ये सारा यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, और देख सकते हैं बच्चे काफ़ी खुश हैं, यहाँ पे भागते हुए आ रहे हैं, लगता है इन्होंने काफ़ी बढ़िया नज़ारा देख लिया है। और हम भी इसे नज़ारा देखेंगे, ये छोटी सी बच्ची नाचते हुए आ रही है, पता नहीं क्या इसके मन में है, वो बताना चाह रही है अपने डांस के थ्रू। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्राउड हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम आपको आगे दिखाएंगे वहाँ से सी का नज़ारा, समुंदर भी यहाँ से जाता है, तो और वहाँ पे बोटिंग होती है, काफ़ी शानदार लगती है। तो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा आपको आज। तो गाइस देखिए, ये रहा हाईवे, यहाँ पर हाईवे के बाद ये थोड़ी बहुत बिल्डिंग, क्या बढ़िया नज़ारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं समुंदर, और ये है हमारा सामने म्यूज़ियम। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा इस तरीके के, टोटल 7 है मौसम। देखिए ये जो आपको म्यूज़ियम दिख रहा है, इस तरीके के 7 आपको म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे मॉस्को के अंदर। और हम थोड़ा अभी और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे। देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, और क्राउड भी यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। देखिए क्राउड कितना ज़्यादा है यहाँ पर, तो सारा क्राउड यहाँ चले गया, बच्चे काफ़ी खुश हैं। और हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे आप देख सकते हो नज़ारा, क्या ही शानदार नज़ारा है, काफ़ी शानदार नज़ारा है। देखिए गाइस, ये है वो जगह जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ धीरे धीरे करके। देखिए ये जो समुंदर है, ये बर्फ़ से ढक चुका है, क्योंकि आपको पता है अभी विंटर सीज़न चल रहा है, और यहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से देखिए आप स्नो ही स्नो है चारों तरफ। हमने अभी किया छोटा मोटा आपने फ़ोटो शूट किया, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़ारा आपको नज़दीक जाते दिखाया हमने, क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का व्यू है काफ़ी शानदार, आप देख सकते हैं सामने जो हाईवे है वो काफ़ी शानदार देखने को लगता है। ये देखिए, ये है हाईवे यहाँ पर,
देखिए गाड़ी सारी जाम में लगी हुई है, ये है नज़ारा यहाँ का एग्जैक्ट भी देखिए, और वो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है एग्जैक्टली रेड स्क्वायर जहाँ हम अभी जाने वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं रोबोट के हाथ की कॉफ़ी लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक रोबोट जो बनाएगा आपके लिए कॉफ़ी। तो देखिए उसने कॉफ़ी के लिए ग्लास पकड़ना चालू कर दिया है, और ये गई यहाँ से। सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं वो पीछे की तरफ ले गया इसको ग्लास को, अब वहाँ पे वहाँ से वो कुछ ऐड ऑन करेंगे उसमें। यहाँ से ग्लास फिक्स किया और वहाँ पे जाके कॉफ़ी बननी तैयार हो गई। और ये देखिए आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा कॉफ़ी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम ले रहे तो चाची को कहते रहते। तो भाई ये कॉफ़ी हमारी आती है यहाँ पे हमारे पास, और ये देखिए गाइस कॉफ़ी हमें पकड़ाने वाला है, और ये रख दिया हमारे लिए कॉफ़ी। अब भाई यहाँ से कॉफ़ी जो है ट्रांसफ़र होकर बाहर को आएगी नीचे की तरफ। आप देखिए अब ये कॉफ़ी नीचे जाती हुई ये निकली कॉफ़ी, मैं थोड़ा पीछे दिखाता हूँ आपको, और हमने उठा ली कॉफ़ी। गाइस आप देख रहे हैं ये कांटे की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कांटे नहीं है, ये है लाइट जो कि रात में जलती है और काफ़ी शानदार नज़ारा दिखाती है आपको। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये छोटी छोटी लाइट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लाइट्स हैं यहाँ पर। ये सारी लाइट जब रात को जलती है ना तो बहुत ही प्यारा नज़ारा आता है देखने में, काफ़ी शानदार लगता है नज़ारा। रोबोट वाली कॉफ़ी, तो रोबोट वाली कॉफ़ी पीते हुए यहाँ पर आसिफ और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लिख के आ रही है कि हम आगे क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर अंदर, जो भी आपको कॉस्मेटिक का सामान मिल जाएगा है ना। तो जू मॉस्को जू है, क्या क्या है यहाँ पे आसपास, सबकी टिकट्स वगैरह आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो गाइस देख रहे हैं आप गाड़ी, ये गाड़ी है कपल्स के लिए, काफ़ी शानदार गाड़ी है, आपको मॉस्को में मिलेगी सिर्फ ऐसी गाड़ी देखने को, पूरा मॉस्को घुमाएगी। हाँ पूरा मॉस्को घुमाएगी, काफ़ी शानदार गाड़ी होती है कपल्स के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए रेड स्क्वायर के मेन गेट पर, आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ का मेन गेट, और हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए गाइस ये पहुँच चुके हैं हम मॉस्को के रेड स्क्वायर में, आप देख सकते हैं नज़ारा, और क्राउड इतना भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बट क्राउड है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये है यहाँ पर मेला लगा हुआ है यहाँ पर, आज देख सकते हैं पेड़ पर यहाँ पे प्यारे प्यारे बॉल्स लगा रखे हैं इन्होंने, जिंगल बेल बॉल्स। एंड यहाँ पर आप देखिए क्या शानदार नज़ारा है, बच्चों के झूले झूलने के लिए झूला है, और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए ये चाचा की दुकान सबसे पहले नंबर पर है, और यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, और देखिए गाइस स्लिपरी बहुत है यहाँ पर, तो आपको देख के चलना पड़ेगा, कैमरे के साथ साथ मैं यहाँ पर देख के भी चल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह आपको मिलेंगी मेले वाली, यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी शानदार छोटी छोटी शॉप्स हैं, और काफ़ी बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, जैसे छोटे छोटे घर होते हैं, होम होते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं आपको देखने में, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको देखिए ये सिक्के मिल सकते हैं आपको, कॉइंस मिल गए यहाँ पर, पेन मिल गए आपको, और ये अंकल पूछते हैं कि आपका कोई व्लॉग चैनल है क्या, तो ये है अंकल, अंकल कहना चाहते हैं नमस्ते। नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी, अंकल से नमस्ते, वेलकम टू रशिया, अंकल से वेलकम टू रशिया। तो गाइस ये जो है ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, जो इनके मेटल के हैं, ये आपको क्रिसमस ट्री आ गए यहाँ पर, ये आपका स्नोमैन आ गया, सेंटा क्लॉस आ गया, बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत रेड स्क्वायर टाइप की बिल्डिंग, तो छल्ले आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, काफ़ी अच्छी चेन्स हैं, ये आपके स्टिकर जो आप फ्रिज में लगा सकते हैं, प्लास्टिक में सकते हैं, और ये देखिए ये खुलता है और छोटे से छोटा हो गया और छोटे से और छोटा हो गया, ये भी और छोटे से और छोटा हो गया, इस बेबी से छोटा भी बेबी, ओह माय गॉड, और इसको आप गा सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं काफी
ये लूंगा राउंड एंड राउंड निकालने के बाद ही काफ़ी छोटा बन गया, तो काफ़ी अच्छा लगा ये। अंकल ने काफ़ी बढ़िया चीज़ दिखाई हमें। तो गाइस देखिए मेला लगा है यहाँ पर काफ़ी शानदार, और तो गाइस ये है नज़ारा यहाँ पर काफ़ी शानदार। देखिए नज़ारा कितना प्यारा देखने को लग रहा है। ये सब न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया था और उसके बाद से अभी तक यहाँ पर है, और काफ़ी शानदार आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप कॉफ़ी देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऊपर जो है झूला झूल देख झूल सकते हैं। यहाँ पर आकर आप शॉप्स मिलेंगे आपको काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए मेटल के थ्रू यहाँ पर रोज बनाया हुआ है, ये सब मेटल के थ्रू बना हुआ है, और यहाँ पर आप अपने आप से डिमांड भी कर सकते हैं, जो आप बोलेंगे ये आपको बना कर देंगे। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए कितना प्यारा रोज है, मेटल मेटल का है, आप इसे लात घुसे कुछ भी मारे टूटेगा नहीं, पर ये काफ़ी मजबूती है इसमें। ये देखिए गाइस, ये है छोटा सा झूला, यूनिकॉर्न स्विंग कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर जो है यूनिकॉर्न घूमते हैं और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे इसको काफ़ी आनंद से लेते हैं। यहाँ पर देखिए बारबेक्यू बनता हुआ शास्त्रिक लोग ले रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि आप जब एक मेले में आते हैं सर्कस में आते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पसंद है कि आप खाएं पिए और इंजॉय करें, तो उसी के लिए यहाँ पर सारे अरेंजमेंट है, खाने पीने का सारे खाने पीने की सारी व्यवस्था है यहाँ पर। तो गाइस काफ़ी राउंड मारने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक शानदार झूला है जिसमें बच्चे झूल रहे हैं। ये देखिए ये राउंड एंड राउंड घूमता है, यहाँ पर आपको क्रिसमस ट्री देखने को मिलेगा, अभी तक स्टैंड है। और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बेचारा वाला घूम रहा है यहाँ पर, ये है खतरों का खिलाड़ी जो हार नहीं मानेगा। ये देखिए कैसे लहर रहा है बच्चा बेचारा, बेचारा नहीं काफ़ी खुश है वो। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये बच्चा गया, ये घूम के आया सुपरमैन। तो काफ़ी मज़ेदार झूला है। बहुत बढ़िया लगता हुआ है नज़ारा, म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। देखिए कितने लाल हो गए हम यहाँ पर, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं रेड स्क्वायर, पहुँच के हमने थोड़ा फोटो शूट किया। ये देख दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी शानदार व्यू है, सोच रहे हैं इसके है। हम सोच रहे हैं कि स्केटिंग कर लें, बट एक बार मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये स्नो से लिपटा हुआ पूरा का पूरा आपको रेड कर दिखेगा। ये देखिए गाइस कुछ झूला झूल रहे हैं, कुछ शानदार यहाँ पर शॉप्स है, मैगज़ीन कहते हैं यहाँ पर मॉस्को में इनको। और ये है नज़ारा जो आपको यहाँ पर आकर देखने को मिलेगा, और हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो आप कभी भी मॉस्को आए तो यहाँ आना मत भूलिए, क्योंकि काफ़ी शानदार जगह है ये मॉस्को की। तो ये है, ये देखिए भाई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, आंटी काफ़ी खुश है, काफ़ी बढ़िया दांत दिखा रही है आंटी। और देखिए हमारे सामने एक ब्लॉगर आपको दिखा दो जूम करके, काश ये हमें अपने ब्लॉग में ले ले और हमें पॉपुलर कर दे। तो गाइस ऐसे ही है यहाँ पर नज़ारा, थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं हम। और देखिए गाइस ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आसमान की सैर लेता हुआ हेलीकॉप्टर, बच्चों को ले जाते हुए, चीज़ें खुले हैं, सब बाहर देख सकते हैं आप। और ये देखिए गाइस यही है क्राउड, तो हम तो काफ़ी अलग जगह पे थे बट क्राउड तो आपको यहीं देखने को मिलेगा। ये रहा क्राउड ये हेलीकॉप्टर में,
अकेला बच्चा शेयर कर रहा था बस। रेस्टोरेंट देख ले। तो भाई जब हम थोड़ी देर में रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हुए आगे कुछ खाना चाहेंगे, काफ़ी भूख लगी है। ये देखिए गाइस छोटी सी यहाँ पर गाड़ी है जहाँ पर आपको स्वीट कॉर्न मिल जाएगा। ये देखिए गाइस क्या बढ़िया दुकान है इनकी चाची। ये यहाँ पे आपको लॉलीपॉप वगैरह मिल जाएंगी, कैंडीज़ मिल जाएंगी, जो कैंडीज़ आप खाना पसंद करते हैं, अच्छी से अच्छी कैंडीज़ हैं यहाँ पर। और ये रहा एग्ज़िट गेट, यहाँ से हम ले सकते हैं एग्ज़िट। तो यहाँ पे चाची व्लॉग बना रही है अपने बच्चों को दिखा करके, और हम भी बना रहे हैं व्लॉग। और गाइस काफ़ी ठंडा है और हाथ जम चुके हैं, मैं ग्लव्स पहन के आना भूल गया, उसकी वजह से मैं आपको शानदार तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ। गाइस देखिए हमारे हाथ कितने लाल हो चुके हैं, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस। तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक दें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम आगे भी आपके लिए इतनी मेहनत करते रहे। देखिए गाइस मेरे हाथ फोल्ड भी नहीं हो रहे, फोल्ड भी नहीं कर पा रहा मैं, जम गए हैं। नज़ारा लाइटनिंग बल्ब्स इन द एयर एंड वी आर ऑन द स्ट्रीट वेयर यू कैन सी द लाइट इज एवरीवेयर। सो दिस इज द लाइटनिंग स्टार। सो वी आर गोइंग टू शो यू समथिंग स्पेशल हियर। सी the bicycle over there, it looks so beautiful, and now you can see the view from this place, that is absolutely tremendous bro. So can you see the beautiful nature, the beautiful tree, and this view is perfect to everyone else. Another bicycle is there, you can see there are so many bicycles with a flower bucket. So it looks so beautiful and inside. You can come with your lovely people here and enjoy the moment. Guys, ये mall काफ़ी शानदार है guys, काफ़ी मज़ा आ गया। देखिए guys, इसमें अभी हम नीचे से ऊपर आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फिर सेकेंड फ्लोर पे भी हम जाएंगे। तो आप व्यू देख रहे हो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, और जो फिर आपका सेकेंड फ्लोर है उस पर तो और ही गजब व्यू आएगा। गाइस सेकंड फ्लोर से देखिए ये है व्यू यहाँ पर इस मॉल का, मैंने आपको बताया था काफ़ी शानदार मॉल है, और देखिए नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये वन साइडेड नज़ारा है, ये देखिए कॉफ़ी का एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी और या फिर समथिंग आइसक्रीम समझ लीजिए वो है। और इसके बाद मैं आपको कैमरा रोल करके दिखाता हूँ, कैमरा मेरे बिहाइंड में जो कैमरा इस तरीके से, और ये है यहाँ का व्यू, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। और ये थोड़ा जूम किया मैंने तो कपल्स बैठे हैं, बच्चे हैं मम्मी के साथ अपनी, काफ़ी इन्जॉय करते हुए। ये देखिए ट्री कितना प्यारा है, वाइट कलर की लीव्स है इसमें, फिर वो सामने वाला जो ट्री है इसमें लव बने हुए, लव ट्रायंगल, और उसके बाद जो आगे है, और ये ऊपर आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती हैं इधर। हम थोड़ा सा खाना खाएंगे अभी थोड़ी देर में, खाना खाने के बाद हम घर की ओर निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। आप देख सकते हो नज़ारा, ये देखिए गाइस बहुत ज़्यादा लगी है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर फूड स्ट्रीट में, यहाँ पर आपको वाइन अल्कोहल से रिलेटेड सारी चीज़ें और खाने के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा आइटम्स खाने को मिल जाएंगे। हम थोड़ी एंट्री कर रहे हैं अंदर को, देखिए इस एंटर हो चुका हूँ मैं यहाँ पे, और एंटर होने के बाद देखिए नज़ारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। पूरे का पूरा यहाँ पे फूड कोर्ट है, यहाँ पे सारा फूड कोर्ट लगा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए ड्रिंक्स एंड कॉफ़ीज़ एंड अल्कोहल एंड बहुत सारे आपको कैफ़े मिलेंगे शानदार शानदार। और हम जा रहे हैं कोई इंडियन कैफ़े में, तो मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, तो इंडियन कैफ़े में बैठ के यहाँ पर आप बैठ के अपने पसंद की कोई सी भी कॉकटेल पी सकते हैं। यहाँ पर चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन और कई तरीके के चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो गाइस इंडियन तो डेली खाते हैं, हम दूसरा खाएंगे यार यहाँ पे इंडियन। तो हम यहाँ चल रहे हैं आगे, चलो मैं खाना वाना खा के जाता हूँ, तुम करो बिजी खाओ तुम। ये देखिए गाइस सब कुछ है यहाँ शानदार खाने को, स्नैक्स खाइए, ये खाइए बियर बॉक्स, ये सारा फूड स्ट्रीट है।
यहाँ पे हम चल रहे हैं इंडियन की तरफ। इंडियन रेस्टोरेंट मैंने देखा था, शायद वो इस तरफ है या फिर उस तरफ। तो ये बियर कैफे, भूख लगी थी तो हमने यहाँ से ले ली वेज बिरयानी और ये थोड़ा सा आइटम वेज बिरयानी, और ये देखिए खाने पीने के लिए, और ये पीने के लिए हमने लिया थोड़ा सा ये मैंगो जूस आदिब के लिए, और मेरे लिए ये टैमरिंड इमली का जूस। तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में, देखिए देखते हैं खा के कैसा होगा टेस्ट इसका। तो गाइस आज के व्लॉग में हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देख पाए। और आगे वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा और भी कई शानदार जगह जो मौसम में काफ़ी घूमने लायक है। तो ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखा दी हैं आपको। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। तो गाइस हैव अ गुड डे, बाय बाय। सो प्लीज सब सरक 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 व्हाटएवर।